हेलो, मैं फिरमल वोरे साहब हूँ। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ द थ्री डायमेंशनल अप्रोच टू बिकम बेटर एट एनीथिंग। तो अगर लाइफ में किसी भी फील्ड के अंदर पीक परफॉर्मेंस पर जाना चाहते हैं, यू वांट टू कम अमंग दोज 1% अचीवर्स जो अपने फील्ड के टॉप पे रहते हैं, दोज हु आर द आइकन्स इन देयर फील्ड, तो आपको एक थ्री डायमेंशनल अप्रोच फॉलो करनी होगी। ये अप्रोच आपको किसी भी एरिया के अंदर काम आने वाली है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। दिस थ्री डायमेंशनल अप्रोच विल अप्लाई एवरीवेयर। तो अगर आप भी जानना चाहते हो थ्री डायमेंशनल अप्रोच कौन सी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस के लिए हमारे एक ओवरऑल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सक्सेस केवल एक पैरामीटर से नहीं आती, आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पर पैरेलली काम करना होता है। और अगर आप लाइफ के किसी भी एरिया के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको जिन तीन एरियाज पे काम करना होता है, उसमें सबसे पहला एरिया आता है योर माइंडसेट। अंडरस्टैंड, यू मे बी वेरी गुड एट स्किल्स, मगर आपके पास अगर राइट माइंडसेट नहीं है, तो आप कभी भी आप अपने फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन सबसे ज्यादा बेहतर धनुर्धर थे, मगर फिर भी उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया था। उनसे तीर नहीं चलाया जा रहा था क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं थी। ही वॉज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड कि मुझे युद्ध करना क्यों है, मुझे क्यों लड़ना है। उन्हें लगता था कि यार सामने इस युद्ध करने का क्या फायदा है। ही वॉज नॉट क्लियर माइंडसेट उनका साथ नहीं दे रहा था। और जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता उपदेश दिया, उसके बाद जब उनके पास वो माइंडसेट आ गया, बाकी चीजें उनके पास ऑलरेडी थी। सेकंड डायमेंशन जिस पर वो काम करना होता है, वो है आपका स्किल सेट। किसी भी काम को बेहतर करने के लिए आपको कुछ स्किल्स को एक्वायर करनी होती हैं। जैसे आप सेल्स में हैं तो प्रोस्पेक्टिंग एक स्किल्स है, नेगोशिएशन एक स्किल है, इन्फ्लुएंस एक स्किल है, क्लोजिंग एक स्किल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है। ऐसे ही आपके फील्ड के अंदर भी स्किल्स होंगी। कॉपीराइटिंग एक स्किल है, ईमेल राइटिंग एक स्किल है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है। यू नीड टू वर्क ऑन द मल्टीपल स्किल्स। इन सबको मिलने के बाद एक ऐसी रेसिपी तैयार होती है जो कि आपको आपके फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स पे ले जाती है। तीसरा डायमेंशन जिस पर आपको काम करना होता है इज टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। माय डियर फ्रेंड, किसी भी फील्ड के अंदर बहुत सारे काम आपके सामने होते हैं, मगर उनमें से सारे के सारे काम प्रोडक्टिव नहीं होते। प्लेटो प्रिंसिपल बोलता है कि 80% प्रोडक्टिविटी 20% काम से आती है। आपको उन कामों पे फोकस करना होता है जहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकलने वाला है। उसको बोलते हैं गॉट ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स में हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो नई प्रोस्पेक्टिंग और पुराने लोग जिनसे आप बातचीत में हैं उनके फॉलो थ्रू से मिलने वाला है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में और अपनी टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपकी टीम में आ चुके हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करना आपके लिए एक ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क है। सो नीड टू फोकस ऑन दोस वर्क जहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकल के आने वाला है। सो इफ यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर सेल्स पोटेंशियल विच इज MSP, यू नीड टू वर्क ऑन MSP, दैट इज योर माइंडसेट, योर स्किल सेट एंड योर प्रोडक्टिविटी सेट। जब आप इन तीन डायमेंशन पे काम करते हैं तो यू बिकम द टॉप 1% अचीवर ऑफ योर फील्ड। अगर आज की इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो उसको लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।